नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। इसका संपूर्ण फल पाने के लिए इस कथा को अंत तक सुनिए। एक समय की बात है, अमरपुर नामक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत दूर तक फैला हुआ था। यहाँ के सभी नगरवासी उसका अत्यधिक आदर करते थे। उस व्यापारी के पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वो अपने जीवन में सुखी नहीं था। दरअसल उस व्यापारी की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण हर समय उसे यही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति की देखभाल कौन करेगा। वो व्यापारी पुत्र की चाहत में हर सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करता और शाम ढलते ही मंदिर जाकर भगवान शिव के समक्ष दीप जलाता था। एक दिन माता पार्वती उसकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो गई। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण कीजिए। इस पर भगवान शिव ने कहा, इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है पार्वती। भगवान शिव के समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी। वो लगातार भोलेनाथ से यही कहती रही कि उस व्यापारी की इच्छा पूर्ण कर दीजिए। अंत में शिवजी ने माँ पार्वती के अनुरोध पर उस व्यापारी को पुत्र का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती मैंने आपके अनुरोध पर उस व्यापारी को पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दिया, किंतु उसका पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यही बात भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में जाकर उसे भी बताई। वरदान पाकर व्यापारी अत्यंत प्रसन्न था, किंतु पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी, ये सोचकर वो फिर से दुखी हो गया। वो पहले की तरह फिर से हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने लगा। कुछ महीने बीतने के पश्चात उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया, जो कि अत्यंत सुंदर था। उसका नाम अमर रखा गया। पुत्र के जन्म के साथ ही व्यापारी के घर में खुशियां छा गई। पुत्र के जन्म की प्रसन्नता में एक समारोह का भी आयोजन किया गया। इस उत्सव के वातावरण में व्यापारी अभी भी दुखी ही था। हर समय उसे बस यही भय लगा रहता था कि उसका पुत्र अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका पुत्र अमर 12 वर्ष का हो गया। एक दिन व्यापारी ने अपने पुत्र को अपनी पत्नी के भाई दीपचंद के साथ पढ़ाई के लिए बनारस भेज दिया। वाराणसी जाते समय रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद आराम करने के लिए रुकते, वहाँ वो यज्ञ और ब्राह्मणों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। कुछ दूर जाने के पश्चात अमर और दीपचंद एक नगरी पहुँचे। वहाँ नगर के महाराज की पुत्री चंद्रिका का विवाह था, जिसके लिए संपूर्ण नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया था। ठीक उसी समय बारात भी आ गई। इस समय दूल्हे का पिता परेशान था, क्योंकि उसके बेटे की एक आंख खराब थी। उन्हें डर था कि यदि लड़की वालों को ये बात पता चल गई तो वो विवाह तोड़ देंगे। तभी उसकी नजर अमर और दीपचंद पर पड़ी। दूल्हे के पिता के मन में तुरंत ये ख्याल आया कि क्यों न अमर को ही दूल्हा बनाकर विवाह मंडप में बैठा दिया जाए। एक बार जब उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा तो फिर उसके पश्चात उसे कुछ पैसे देकर वहां से विदा कर देंगे। फिर राजकुमारी और अपने पुत्र को अपने घर ले आएंगे। दूल्हे के पिता ने बिना कोई देरी की दीपचंद से इस विषय में बात की और धन का प्रस्ताव रखा। दीपचंद ने पैसों के लालच में आकर तुरंत हाँ बोल दिया और अमर को दूल्हा बनाकर
विवाह मंडप में बैठा दिया। यहाँ राजा ने राजकुमारी का कन्यादान कर विवाह संपन्न कराया और बहुत सारी संपत्ति के साथ अपनी पुत्री को विदा किया। विवाह के पश्चात जब अमर वहाँ से लौट रहा था तो उसे लगा कि असत्य बोलना उचित नहीं है और उसने राजकुमारी चंद्रिका के दुपट्टे पर सारी सच्चाई लिख दी। अमर ने लिखा, प्रिय राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारे साथ छल हुआ है, तुम्हारा विवाह मेरे साथ कराया गया है। मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ और फिलहाल पढ़ाई के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। तुम्हारा विवाह जिससे तय हुआ था उसकी एक आंख खराब है। राजकुमारी ने ये सत्य जानने के पश्चात उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ ही रहने लगी। उधर अमर वाराणसी के गुरुकुल में पहुंचकर पढ़ाई लिखाई करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अमर 16 वर्ष का हो गया। इस दौरान उसने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात अमर ने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें वस्त्र दिए। सारे कार्य खत्म करने के पश्चात अमर रात में अपने कमरे में सोने चला गया। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार उसी रात अमर के प्राण चले गए। अगली सुबह जब दीपचंद उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि अमर जीवित नहीं है। वो जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और अपना दुख जताने लगे। दीपचंद के रोने की आवाज भगवान शिव और माता पार्वती के कानों तक भी पहुंची। ये सुन माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं दीपचंद के रोने की इस ध्वनि को सहन नहीं कर पा रही हूँ, कृपा करके इसके दुख को दूर करें। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ अमर के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि ये तो वही बालक है जिसे केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का आशीर्वाद मिला था। इसके पश्चात भगवान शिव सीधे माता पार्वती के पास पहुँचे और कहा, हे गौरी, मरने वाला बालक उसी व्यापारी का पुत्र है, इसने अपनी आयु पूर्ण कर ली है। ये सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार फिर आग्रह किया। उन्होंने कहा, स्वामी, आप कृपा करके इस बालक को दोबारा जीवित कर दें। इसे मृत देख इसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने भोलेनाथ को स्मरण कराया कि अमर के पिता उनके सबसे बड़े भक्त हैं। कई वर्षों से वो हर सोमवार को उनकी पूजा करते आ रहे हैं। माता गौरी के अनुरोध पर भगवान शंकर ने अमर को जीवित होने का आशीर्वाद दिया और अमर दोबारा जीवित हो गया। कुछ समय पश्चात जब अमर की पढ़ाई पूर्ण हो गई, तो वो अपने मामा दीपचंद के साथ वापस अपने गांव जाने लगा। चलते चलते दोनों उसी नगरी में जा पहुंचे जहां राजकुमारी चंद्रिका से अमर का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर अमर ने एक महायज्ञ किया। तभी पास से गुजर रहे उस नगर के महाराज ने महायज्ञ होते देखा। महाराज ने एक ही पल में अमर को पहचान लिया और महायज्ञ के समाप्त होते ही वो अमर और दीपचंद को अपने साथ ले गए। कुछ दिनों तक उन्होंने अमर और दीपचंद को अपने महल में ही रखा। उसके पश्चात महाराज ने संपत्ति और कपड़े देकर राजकुमारी को अमर के साथ भेज दिया। महाराज ने रास्ते में उनकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक भी भेज दिए। दीपचंद भी महल से अपने नगर पहुंचा और दूत के हाथों अमर के आने की सूचना व्यापारी तक पहुंचाई। व्यापारी को जैसे ही पता चला कि उसका पुत्र 16 वर्ष की आयु के पश्चात भी जीवित है, तो वो अत्यधिक प्रसन्न हुआ। दरअसल व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया था
वो बिना कुछ खाए पी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने ये प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु की खबर मिली तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। दूत की बात सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी नगर के अन्य लोगों के साथ अपने पुत्र के स्वागत के लिए नगर के द्वार पर पहुँचे। वहाँ उसे पता चला कि उसके पुत्र का विवाह एक राजकुमारी से हुआ है। वो दोनों साथ में आए हैं तो उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। पुत्र और अपनी पुत्र वधु का स्वागत उन्होंने अत्यधिक धूमधाम से किया। उसी रात एक बार फिर से भोलेनाथ व्यापारी के स्वप्न में आए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। हर सोमवार को तुम मेरी पूजा करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। भगवान शिव की ये बातें सुनने के पश्चात व्यापारी अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पुत्र का जीवन वापस मिलने के पश्चात भी व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करता रहा। इससे शिव पार्वती दोनों की ही कृपा व्यापारी के घर पर बनी रही। यदि सच्चे मन से किसी वस्तु को पाने की चाह हो तो वो अवश्य मिलती है। बस उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप भगवान की निस्वार्थ भक्ति करते रहे तो उसका फल आपको एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। हर हर महादेव।